न्यूज, खबर वही जो हो सही। से पहले हमारे न्यूज को देखने के लिए सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन। मुंबई के अंधेरी एस्टेट स्थित साईवाड़ी में साई महोत्सव का वर्धापन 2019 का आयोजन मनोहर पांचाल के द्वारा किया गया। यह 4 दिवसीय साई महोत्सव का कार्यक्रम किया गया। इस महोत्सव में साई भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हजारों की संख्या में भक्त ने साई बाबा की आरती और पालकी निकाली। आइए बात करते हैं मनोहर पांचाल जी से कि साई महोत्सव का क्या महत्व है। कि जो कार्य आज हो रहा है ये हर वर्ष होता रहता है। आज श्री मनोहर पांचाल जी इसके लिए इनका जो देह है, इनकी जो विश्वास है, इन्होंने जो कार्य कर रहे हैं तो यहाँ के एरिया के लिए, इस मानव धर्म के लिए, इस अपने सिद्धांत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत प्रभु जी ने इनको दिया है। सदगुरु साई की कृपा है कि ये हर साल इसी तरह से चलते रहे। देश के हित के लिए, जैसे आपने अभी पूछा, देश के सैन्य के लिए, तो मैं तो मानता हूँ कि ये मानव धर्म में ये चीज़ें जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए। इंसानियत के जरिए से जिस तरह से हमें एक बहुत बड़ी शक्ति बाबा की कृपा से ऐसी शक्ति मिले, इस पूरे देश, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर एक हिंदुस्तान का नाम हो, बाबा की कृपा सदैव मनोहर पांचाल के ऊपर हो और इस मानव धरती के लिए सदैव शक्ति मिले, यही बाबा की कृपा है। और यही इस तरह का जो उत्साह है ये हर साल होता रहता है। विशेष इनकी मेहनत, इनका पुरुषार्थ, एक मत जो है कि इस एरिया के जितने भी अंबेवाड़ी के व साई नगर के व्यक्तियों का विचार है कि भी इसी प्रकार की इस सिद्धांत को साई बाबा का जो है कृपा होते रहे और बाबा की कृपा सभी लोगों के ऊपर होते रहे और आप लोगों के ऊपर भी होते रहे। जय श्री कृष्ण, जय साई राम। इस प्रभाग के अंदर मेरे दादा जो है उन्होंने जो समाज सेवा के माध्यम से जो एरिया का जो डेवलपमेंट हुआ है उसका कारण उनके पीछे जो ताकत है वो साई बाबा जी की ताकत है। वो ताकत और बढ़ के उनके पीछे खड़ी हुई है और जैसे जैसे बाबा जी का उनको आदेश होगा वो हिसाब से आज जो डेवलपमेंट है इससे और दूना भी हो जाएंगी, ऐसा उनको मैं मेरी साई महोत्सव को 28 साल हो गया। 28 साल में हर साल हम लोग ऐसे महोत्सव मनाते। गए साल बाबा की शताब्दी साल था और 27 साल का भी हमने यहाँ पे बाबा की शिरडी वगैरह बनाए थे। उद्देश्य है कि यहाँ पे सभी भाविक जो है वो तो बड़े उत्साह में ये बाबा का उत्सव साझरा करते हैं हमेशा। इसके अलावा जो टेरर अटैक हुआ है उसके ऊपर भी जो है गाने यहाँ पे बजाए जाए तो ये साल जो है उनके लिए डेडिकेट होगा ऐसा। देखो हमारी सबकी तो भावना है, हमने बाहर आप देखा होगा गेट के ऊपर भी हमने दिया है कि व्यर्थ न हो बलिदान, तो जवान लोग हमारे रक्षा करती है। और ये उत्सव जो है जो बाबा का धार्मिक उत्सव है, हम बाबा के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमारे जवान को और शक्ति मिले, हमारे देश की अच्छी रक्षा होए और हमारे नागरिक भी इस जवान है उनके साथ हमेशा साथ रहे। तो आपके मुताबिक क्या एक्शन लिया जाना चाहिए उनके लिए? देखो हम तो हमेशा चाहते जो आदमी जैसा एक्शन करेगा वैसा रिएक्शन होना चाहिए। तो हर देश के नागरिक यही सोचेंगे कि हमारा देश मजबूत और सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो जवान कर रहे हम उनके ये सब चीज़ों के पीछे है हमारा, सभी लोगों का उनके साथ योगदान है, हम हमेशा उनके साथ खड़ा रहने चाहते हैं और देश के लिए हम देश के नागरिक हैं। हमें तो गर्व है कि हम हमारा देश एक अच्छा देश है और अच्छे देश के नाते हम सब नागरिक का कर्तव्य होता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर साल कुछ नया होता है, अगर इस साल बहुत सारी पब्लिक जो है इस साल सपोर्ट करने आई है इस पालकी को, क्या ऐसी चीज़ है जो हर साल नए लोग जुड़ते हैं इसके साथ? नहीं, मुंबई शहर के अंदर बहुत सारे बाबा के भक्त हैं और हर आप तो देखते हो कि लोग पैदल चलते जाते, सात आठ दिन पैदल चलते हैं और हर विभाग के अंदर बाबा का साई उत्सव बड़े पैमाने पे किया जाता है। और जिस तरीके से यहाँ के जो नागरिक, कल तक हमारी ये साईवाड़ी थी, स्लम एरिया था, आज साई नगर बन गया है, तो हर एक लोग ऐसा कहते हैं कि इस विभाग के अंदर साक्षात बाबा का कुछ तो भी वास्तव्य है, इसलिए सभी लोगों ने इस जितने भी डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पर साईवाड़ी में उसको साई नगर बना के साई बाबा के ऊपर ही सभी लोगों ने अपना नाम दिया है। आप देख रहे हैं।